नमस्कार, नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र मारू एक बार फिर हाजिर हूँ जन सरोकार मंच टॉक की इस बेहद खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा पांडे जी। हम इस मंच और अपने सुधीर दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हो, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अपर्णा जी हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्यों से ढाका बांग्लादेश भी रहकर आए हैं। आपकी अनेक पुस्तकें छप चुकी हैं, अनेक बड़े मंचों पर आप संचालन से लेकर कविता पाठ भी कर चुके हैं। मैम, आपका पारिवारिक माहौल बहुत ही बेहतरीन रहा और वहाँ पर पढ़ने लिखने का एक परिवेश, एक माहौल हमेशा से रहा है, तो हिंदी से इतना प्रेम शुरू से कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई लिखने और पढ़ने की? जैसा कि सर आपने कहा, तो मेरा परिवेश तो सही है और चूंकि हमारे घर में संस्कृत प्रवाही परंपरा रही जी, हिंदी संस्कृत की बेटी है, तो हिंदी से जुड़ाव तो बचपन से रहा ही, लेकिन जो लिखने की परंपरा है जी, ये जब मैं 12वीं कक्षा में थी तब से मैंने प्रारंभ किया। उस समय मैंने 2 उपन्यास लिखे और वो मेरे दोनों उपन्यास सभी को बहुत पसंद आए जी। हालांकि अपरिपक्व बुद्धि थी उस समय, क्या लेखन रहा होगा, मैंने क्या लिखा होगा, मुझे खुद भी नहीं ख्याल है, लेकिन जिसने भी उसको पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे प्रकाशन की सलाह भी दी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब ये प्रकाशन योग्य नहीं है, और इस प्रकार से मेरा लेखन 12वीं कक्षा से शुरू हुआ। मैम, आपने 12वीं क्लास में ही जो उपन्यास लिखे उनका कंटेंट क्या रहा होगा, किस तरह से आपने इतने बड़े उपन्यास जो 2 लिखे उसमें क्या क्या कहानियां मोटे तौर पे रही होगी, इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। उसमें पहली कहानी तो जैसा कि उस उम्र का एक स्वाभाविक गुण है उस पर आधारित थी, प्रेम, और वो मेरे मित्रों को बहुत। दूसरी कहानी भी घनिष्ठ मित्रता के ऊपर थी। मेरी एक मित्र थी, हालांकि मेरे ग्रुप में 16 मेरे साथी थे, लेकिन एक घनिष्ठ मित्र थी रंजना सक्सेना, और हम दोनों कहना चाहिए कि 12वीं की शायद स्कूल मित्रता होती है, वो आजीवन के लिए उतने अच्छे मित्र आपको नहीं मिल सकते। तो रविवार का दिन भी हमको लगता था कि क्यों आता है, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, हमको स्कूल जाना है जी। बहुत सारी बातें करनी है, चूंकि उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, हमको यदि बात भी करनी होती थी तो हम चिट्ठी लिख करके एक दूसरे को बात कर लेते थे। उस समय शायद 25 पैसे का ऐसा कुछ पोस्ट कार्ड आता था या 1.5 रुपए का, तो उससे लिख करके हम आपस में वार्तालाप करते थे। फिर उस मित्र से मेरा 28 साल बाद मिलना हुआ। कहाँ तो हम एक दिन अलग नहीं होते थे और कहाँ 28 साल मिलना बड़े आश्चर्य की बात है। शायद जीवन में ऐसा होता है, जब वो अपनी बेटी को यहाँ पर मेडिकल के कोचिंग के लिए लेकर के आई तब उससे मेरी मुलाकात। मैम, प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा थी उसके बाद में आगे की शिक्षा PhD और फिर बाद में आपके जो एक अध्यापिका के रूप में जो अनुभव रहे उस पर भी जरा प्रकाश डालिए कि जो आपने PhD करी उसके टॉपिक और उसमें भी किस तरह के अनुभव रहे, ये सारी बातें। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो 5वीं तक तो आश्रम में ही हुई जी, माध्यमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से और उच्च माध्यमिक शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से। आगरा विश्वविद्यालय में डॉक्टर चंद्रलाल पाराशर जी जो पुराण के प्रोफेसर रहे उनके अधीन रहकर के मैंने पुराण में PhD की पुराणों में सुखदेव एक समालोचनात्मक अध्ययन। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी तक किसी ने कार्य नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि तुम इसमें कार्य करो। उस समय PhD के लिए इंटरव्यू नहीं होते थे, आपके MA के अंकों के आधार पर आपको उसमें प्रवेश दिया जाता था। चूंकि मैं हमेशा ही मेरा रिकॉर्ड सेक्शन हुआ बहुत अच्छा रहा और MA में मैंने संस्कृत में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी, उसे लेकर के मुझे उसमें प्रवेश मिल गया। उसके बाद एक वर्ष तक मुझे समझ नहीं आया कि मुझे PhD में कैसे कार्य करना है। मैं जो भी लिख करके ले आती थी गुरु जी सबको काट देते थे, क्योंकि एक सामान्य तरीके से पढ़ना और एक थीसिस का कार्य करना बिल्कुल अलग चीजें हैं। फिर मुझे मैंने कहा आप बताइए कि मुझे क्या करना है, तब गुरुजी ने कहा कि इसको इस तरह से करना है, तो
फिर मैंने वो कार्य पूरा किया। 1990 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और 1994 में मुझे डिग्री प्राप्त। उसके बाद आपके यहाँ कोटा में आपने अध्यापन के लिए और एक शिक्षक के रूप में आपने कार्य शुरू किया जी। यहाँ पर कैसा अनुभव रहा आपका जी? बाल विद्यालय कोटा का एक बहुत जाना माना विद्यालय है, वर्तमान में उसे भुवनेश बाल विद्यालय के नाम से जानते हैं। भुवनेश जी जो केंद्रीय मंत्री रहे और खास बात ये थी कि वे बहुत ईमानदार और सहृदय व्यक्ति थे और यहाँ पर वे हमेशा ही बहुत प्रतिष्ठित हस्तियों को लेकर के आते थे। उस विद्यालय में कार्य करना मेरे लिए बड़े गर्व का विषय रहा और वहां रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा। 1996 से लेकर के 2011 तक मैं वहां कार्यरत रही। वहां पर केवल शिक्षण का कार्य नहीं था, उसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करना, उनकी तैयारी करवाना, ये सब मेरे कार्य में शामिल था। और अच्छी बात यह है कि मैंने जैसा चाहा मेरे विद्यार्थियों ने मुझे वैसा ही कार्य करके दिखाया है। वहाँ की मेरी जो उपलब्धियाँ हैं बाल विद्यालय की बहुत अच्छी रही और मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा ही बहुत प्रसन्न रही और मेरे विद्यार्थी भी मेरे साथ हमेशा भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, जो अभी तक भी जुड़े जी। उसके बाद में जो आपकी जर्नी रही आपके जीवन में एक नया अध्याय, ढाका गए, बांग्लादेश में आपने हिंदी का प्रचार और प्रसार किया, ये बेहद आपको भारत को रिप्रेजेंट करना था, वहाँ आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपकी यात्रा रही मैम? जी, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बनाने में बहुत सारे लोगों के शुभकामनाएं, आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा का विशेष स्थान होता है। मुझ पर मैं हमेशा ही रहा क्योंकि मैं जैसी नौकरी चाहती थी ईश्वर ने मुझे वैसी ही नौकरी। 2011 के बाद में 2013 तक सरकारी विद्यालय में कार्यरत रही। तभी मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि अपर्णा तुम विदेश के लिए क्यों आवेदन करती हो जी। मैंने कहा कि जब मैं शहर से बाहर नहीं गई हूँ तो विदेश आना तो बहुत दूर की बात है। बोले आवेदन करने में क्या बुराई है, तो मैंने आवेदन किया। उस आवेदन के अंतिम दो दिन आवेदन भेज दिया और सौभाग्य से आवेदन वहां पहुंच भी गया। एक महीने बाद मेरे पास वहां से इंटरव्यू के लिए पत्र आ गया कि आपको इस तारीख को इंटरव्यू देने के लिए आना है। जब चूंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष से लोगों को आमंत्रित किया था, उसमें कि उन्होंने 50 लोगों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो मेरा 3 दिसंबर को इंटरव्यू था। 25 लोगों का 3 को था और 25 लोगों का 4 को था। राजस्थान से हम 2 व्यक्ति गए थे, एक कोई व्यक्ति जयपुर से थे और एक मैं थी। मेरा इंटरव्यू चला आधे घंटे। इंटरव्यू कैसा हुआ मुझे नहीं पता है, बस मैं देकर के आ गई और एक महीने बाद मेरा वहाँ से चयन का पत्र आ गया कि आपको चयनित कर लिया गया है। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था वो, जिस दिन मुझे 13 जनवरी जब मुझे वो पत्र मिला। ये बात मैंने अपने घर में भैया को बताई, भैया भी इसको सुनकर के बहुत खुश हुए क्योंकि तो मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं विदेश सेवा के लिए चुन ली गई हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची, चूँकि बांग्लादेश हमारे भारत का ही पहले हिस्सा रहा है, वहाँ की संस्कृति भारत से बहुत मिलती जुलती है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आपको आसानी रहेगी। मैं अकेली ही गई थी, मेरे परिवार के सब लोग यहीं थे। वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आपको दूसरे देश में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपको दूतावास की तरफ से फ्लैट दिया जाएगा और आपको सारी सुविधाएं रहेंगी। बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से अधिक वार्तालाप नहीं करना। अब चूंकि मेरी तो सरकारी नौकरी थी तो अनावश्यक वार्तालाप करना तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, अपने काम की ही बात करना। वहाँ मैं रही, वहाँ बांग्ला भाषा बोलते थे। प्रारंभ में मैं सोच रही थी कि मैं बांग्ला तो मुझे समझ नहीं आती, मैं अपनी बात इन तक कैसे पहुँचाऊँगी, और ये चूंकि वो लोग तो हिंदी बोल लेते हैं। मैंने वहाँ रह करके छात्रों से बांग्ला सीखी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास उस समय तक कोई पाठ्यक्रम नहीं था। मेरे से पहले एक अध्यापिका गई थी, मैंने उनसे थोड़ी जानकारी ली थी, तो उन्होंने बताया कि आपको इस तरीके से कुछ प्रारंभिक स्तर की चीज़ें बतानी होंगी। वहाँ छात्रों से मैंने पूछा तो मैंने देखा कि छात्र कोई छोटे नहीं हैं, वे सब प्रतिष्ठित पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वे दूतावास में कार्य करने वाले कर्मचारी हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो ये अभिनेता हो या एक 5 वर्ष का बालक। अब उन सबको पढ़ाना एक चुनौती था
एक ही पीरियड में आपको एक साथ एक ही बैच में पढ़ाना है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि जिंदगी में चुनौती ना हो तो जिंदगी का भी कोई मायने नहीं। और मैंने उनसे पूछ करके पाठ्यक्रम तय किया। मैंने पाठ्यक्रम दो प्रकार से डिवाइड किया, एक तो कनिष्ठ वर्ग और एक था वरिष्ठ वर्ग। कनिष्ठ वर्ग चूंकि तीन तीन महीने की कक्षा होती थी तो जो तीन महीने की कक्षा कंप्लीट कर लेते थे उसको फिर हम वरिष्ठ वर्ग में लेते थे। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम। मैम वहाँ के जो बच्चे थे उनसे आपका जो व्यवहार था, जब आप शुरू में गए तब बच्चे कम थे, बाद में जब आप आए तो बच्चे बढ़े, और उन बच्चों के साथ आपका जो एक व्यवहार रहा, एक रिश्ता, एक रिलेशन जब बन गया, तो जो गुरु शिष्य परंपरा और गुरु शिष्य के बीच में जिस तरह का रिलेशन होता है, तो उसमें आपको किस तरह के अनुभव हुए और कितने बच्चे थे जब आप गए और वो जर्नी क्या थी? मुझे लगता है कि आप अधिकारी कर्मचारी बात में हैं, पहले आप एक मनुष्य हैं। ये बात मैं हमेशा अपनी कक्षा में कहती हूँ कि आज हम बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, चित्रकार तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम मनुष्य बना रहे हैं? मैं अपने विद्यार्थियों के साथ पहले भावनात्मक विचारधारा को स्थापित करने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जब तक आप भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होंगे तब तक आपकी कही हुई बात सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आ सकती। यही कारण है कि जब मैं वहां गई तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बिल्कुल ही ऐसा कोई अनुभव ही नहीं होने दिया कि आप कहीं बाहर से आए हैं। इतना स्नेह, इतना सम्मान कि जिसकी मैंने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी। मेरे विद्यार्थी हमेशा ही मुझे बहुत अधिक सम्मान देते रहे, और कुछ विद्यार्थियों ने तो कहना चाहिए कि अधिकांश विद्यार्थियों ने कनिष्ठ वर्ग से ही शुरू किया। उन्होंने वर्णमाला से शुरू किया, हिंदी वर्णमाला से, और फिर उन्होंने दर्शन तक की कक्षाएं पढ़ी। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही कि मेरे विद्यार्थियों को मैंने जैसे पढ़ाया उन्होंने वैसे ही सीखा। उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो बहुत प्रतिष्ठित पदों पर थे, लेकिन वो कहते थे कि मुझे मैडम आपसे तो वर्णमाला पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनको वर्णमाला पढ़ाती थी। मुझे आपसे दर्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैं उनको दर्शन पढ़ाती थी। मुझे आपसे भारतीय संस्कृति के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा अध्यापक वो है जो वो नहीं पढ़ाए कि वो जो पढ़ाना चाहता है, वो पढ़ाए जो छात्र उससे जानना चाहते हैं। और इसके लिए दोनों को एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझना बहुत आवश्यक है। और जो हमारी एक घंटे की कक्षा थी कभी कभी दो घंटे की कक्षा भी हो जाती थी। जब तक आप अपने काम में मन, वचन और कर्म से डूबेंगे नहीं तब तक आपको अपने कर्म में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तब आप सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं, आप काम नहीं कर रहे। एक बात और है कि जब आप वापस स्वदेश आ गए और एक इतना बड़ा अनुभव आप जब लेकर लौटे, और आज जब आप यहाँ इस मोड़ पे जिंदगी के कैसे मोड़ पर आ गए हैं, वहां पर इस समय आपको हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या लगती है? इस जगह पर जब आपको, आपने वहां का भी अनुभव लिया, हमारे भारत का भी अनुभव है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। साहित्य तो हमेशा ही प्रासंगिक होता है। सहितम हितम एव स साहित्य, जो हित के साथ है वो साहित्य है। अब वो संस्कृत का साहित्य हो, हिंदी का साहित्य हो, या किसी अन्य भाषा का साहित्य, क्योंकि साहित्य केवल समय पास के लिए लिखा नहीं जाता। साहित्य हमेशा समाज की परिस्थितियों को देख करके समाज को मार्गदर्शन देने के लिए लिखा जाता है। मेरा मानना है कि इसमें हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे बहुत सारे नेताओं ने हिंदी को इसीलिए चुना क्योंकि हिंदी भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली समझी जाती है, लोग उसको हृदय से ग्रहण करते हैं। और इसलिए हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जहां जैसे लोग होते हैं उनके साथ वैसे ही बन जाती है, वह अपने आप को उन पर थोपती नहीं है। और मैंने देखा कि आज हिंदी भारत की, विश्व की चौथे नंबर की भाषा बन चुकी है, जो सर्वाधिक बोली, लिखी, समझी और पढ़ी जाती है। और इस प्रकार से मैंने हिंदी को देखा कि मैं चाहे मॉरिशस यात्रा पर गई, वहां पर भी बहुत दूर से लोग, अधिक विदेशों से आए थे, चाहे वो साउथ एशिया से आए हुए लोग हों, उन सभी ने
मिलकर के बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हिंदी एक ऐसा विषय है, हिंदी एक हिंदी की प्रासंगिकता हमेशा ही रहेगी। आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें, आप महादेव वर्मा को पढ़ें, आप पद्मलाल पन्नालाल बख्शी को पढ़ें, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ें, उनका जब आप साहित्य उठा करके देखते हैं तब आपको जीवन की वे शाश्वत अनुभूतियां प्राप्त होती हैं जो आपको तात्कालिक लेखन में नहीं मिल सकती। और साहित्य तो वही है जो कालजयी हो। हम जब भी महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद उनका लिखा हुआ हमेशा ही विद्यमान रहेगा। और उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद, उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ऐसे साहित्यकार और लेखक हैं जो अजर और अमर हैं। हमारा शरीर नहीं रहता लेकिन हमारी लेखनी हमेशा विद्यमान रहती है। जी जी, निश्चित रूप से। एक और गंभीर प्रश्न ये है कि अभी पूरा जो विश्व है वो कोरोना की महामारी से जिस तरह से गुजर रहा है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे पूरे देश को, पूरे शिक्षा जगत को हो रहा है। आपको क्या लगता है मैम कि ये जो नुकसान हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक ऐसी अकस्मात आई हुई आपदा है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, और विश्वव्यापी दृष्टि से इसका बहुत भयंकर असर हुआ है, खास करके हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। बाकी सारा विश्व में तो चक्का जाम हो ही गया, लेकिन विद्यार्थियों के कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। आखिर कब तक हम छात्रों को घर पर बैठा कर रख सकते हैं? इसके लिए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई, उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की ताकि विद्यार्थी घर में रह करके अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकें, अपनी तैयारी कर सकें और अध्यापक उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए सरकार ने जहां पर टीवी पर कक्षाएं संचालित की, रेडियो पर संचालित की, वहां उन्होंने मोबाइल पर भी संचालित की है ताकि विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो मुझे लगता है कि जब कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती का समाधान निकालना भी हमारा ही दायित्व है, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम सिर्फ दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो दोषारोपण तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, आपको उसका समाधान ढूंढना ही होता है। और कोरोना काल में एक बात और रही, जिन विद्यार्थियों को या जिन लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था वो मोबाइल चलाना सीख गए, तकनीकी ज्ञान भी सीख गए। ठीक है, हम बहुत सारी ऐसी चीजों को सीख गए जिनके संपर्क में हम कभी आए ही नहीं थे। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बात भी स्वतः सिद्ध हो गई। प्रश्न ये है कि हिंदी जो साहित्य है इसका जो रचनात्मक पक्ष है ये बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। मैंने आपके करवाए हुए नाटक भी देखे हैं, आपके लिखे हुए जो रचनाएं हैं वो भी देखी है। तो ये जो रचनात्मक पक्ष है इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि हम शिक्षण में किस प्रकार से हिंदी को एक रचनात्मक तरीके से बच्चों के बीच लेके आए जिससे बच्चों का हिंदी के प्रति एक रुचि भी बढ़े, इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या माध्यम हो सकता है? बात हिंदी की है तो हिंदी तो अपने आप में बहुत रोचक भाषा है, उसमें आप कहानी, कविता, नाटक, निबंध कुछ भी बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं उनकी रुचि के अनुसार। खास करके नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी विद्यार्थी पूरे मन से जुड़ जाता है और उसमें उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे नाट्य मंचों का मंचन करवाया है जिसमें विद्यार्थियों ने, खास करके मैंने तो संस्कृत के नाटकों का मंचन ही अधिक कराया है, हिंदी के नाटकों का मंचन तो मैंने मोरपा लाने के बाद कराया। तो विद्यार्थियों ने उसमें बहुत आनंद से भाग लिया और उन्हें लगा कि हिंदी एक ऐसी रोचक भाषा है जो अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने का बहुत सहज और सरल माध्यम है। एक और बात है कि आप इतने कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, इतनी सारी उपलब्धियां, इतनी शोहरत, इतनी सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक कलाकार, एक लेखक, एक कवि आखिर चाहता क्या है, वो क्या खोजता है अपने जीवन में, उसकी उसके अंदर वो कौन सी टीस होती है, वो कौन सी ललक होती है, वो कौन सी बात होती है,
मेरा सीधा प्रश्न यह है कि आखिर अपर्णा पांडे क्या चाहती है? बात चाहने की नहीं होती, बात कुछ कर जाने की होती है। जब भी मैं समाज में कुछ अनुचित सा देखती हूँ या कोई भी व्यक्ति जो अंदर से सहृदय है, संवेदनशील है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो चित्रकार हो, वो शायद चुप बैठ नहीं पाता। उसकी वो जो संवेदना है उसे कुछ ना कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए बाध्य करती है। और मेरा मानना ये है कि जब कहा गया वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। माँ निषाद प्रतिष्ठान तुम गवा शाश्वती समा, यद कौच मित्रात एकम वधि काम मोहितम। शायद वाल्मीकि ऋषि से प्रारंभ हुई वे परंपरा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि जब तक संवेदना है तब तक साहित्य का सृजन भी होता रहेगा। मैंने कुछ भी ना कहा हो जैसे, उसके दिल की ही सदा हो जैसे। आपका लिखना तब सार्थक है जब आप अपनी लेखनी में दूसरे की भावनाओं को अक्षरशः उतार सकें। मुझे लगता है कि साहित्य हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो चित्रकार हो, वो सब एक ही परंपरा के साधक हैं और वे शायद उसी साधना को खोजते हैं और उनका उद्देश्य एक होता है, सर्वत्र प्रेम की, करुणा की, मैत्री की और मनुष्यता की स्थापना करना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि आखिर एक कवि क्या खोजता है, वो उसके जीवन में जो बेचैनी है, जो जैसे आपने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, ये बात बिल्कुल ठीक है। बातचीत के लगभग हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब हम अपना मैम से बस ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जो ढाका के जो आपके विद्यार्थी हैं, आपके जो साथी हैं, दर्शक हैं हमारे, और जो भी हमारे इस प्रोग्राम को अभी लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उन सभी को, हमारे शिक्षक मित्रों को और हमारे सभी मित्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और यदि आप कुछ सुनाना चाहें तो, या जैसा भी आपकी इच्छा हो। मैं अपने समस्त विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, चाहे वो कोटा के विद्यार्थी हैं या ढाका के विद्यार्थी हैं, क्योंकि पैसे के लिए तो सारी दुनिया ही कार्य करती है, लेकिन जब आप किसी कार्य से हृदय से जुड़ जाते हैं तब आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, और मेरे विद्यार्थियों ने ऐसा किया भी है। खास करके मैं नाम लेना चाहूंगी अंजल रंजन दास, जो जिसने वर्णमाला से कक्षा प्रारंभ की। वर्णमाला से प्रारंभ करने के उपरांत उस बालक ने श्रीमद भगवद गीता पर प्रोजेक्ट कार्य किया। उसके अलावा वहाँ पर द्वार ढाका में जो बहुत सारे विद्यार्थी थे उन्होंने भी गीता पढ़ी, मेघदूतम पढ़ी और नीति शतकम पढ़ी, और वह बालक छात्रवृत्ति लेकर के मेरे पहली बार दो छात्र नरगिस सुल्ताना और अंजल नंदन दास दोनों स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के छात्रवृत्ति लेकर के पहले आगरा विश्वविद्यालय में पढ़े। इस समय वह छात्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA का छात्र है, जबकि वह 12वीं तक साइंस का विद्यार्थी था। हिंदी को वो जानता भी नहीं था, लेकिन उसको ऐसी लगन लगी, उसने कहा मैंने अपना सारा जीवन ही हिंदी के लिए समर्पित कर दिया है। मेरी दोनों छात्राएं सिफत इलाही और नरगिस सुल्ताना, वे दोनों हिंदी पढ़ने के उपरांत वहाँ बांग्लादेश बेतार में समाचार वाचिका के रूप में नियुक्त हो गई। ये मेरे लिए गर्व की बात है और उपलब्धि की बात है। तो मेरा मानना ये है कि आप जहाँ भी रहें आप मन, वचन और कर्म से समर्पित रहें। जैसा कि आपका आदेश हुआ है, मैं आपको अपनी कुछ रचनाएं सुनाना चाहती हूँ अपनी पुस्तक से। कुछ अंदाजी बयां कुछ मुक्तियां रूप छूकर गुजर जाना तो दिल पर लिख गया है, रूप छूकर गुजर जाना तो दिल पर लिख गया है, उसी का अक्स आंखों में कहीं फिर दिख गया। रूप छूकर गुजर जाना तो दिल पर लिख गया है, उसी का अक्स आंखों में कहीं फिर दिख गया।
दिलों में जो उतरता है रोशनी प्यार की बनकर, दिलों में जो उतरता है रोशनी प्यार की बनकर, खुदा ने फिर कहा मुझसे तू मुझे महसूस कर। वाह। दिलों में जो उतरता है रोशनी प्यार की बनकर, खुदा ने फिर कहा मुझसे तू मुझे महसूस कर। क्या? एक और सुनाना चाहूंगी। खुदा की ही नियामत है, उसी का नूर है। ये मैंने बांग्लादेश में रहकर ही ये जो पुस्तक लिखी है, क्योंकि उस समय मेरे पास अवसर बहुत था लिखने पढ़ने का, तो क्लास से जब मैं फ्री होती थी तो मैं अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो जाती थी। खुदा की ही नियामत है, उसी का नूर है, ये बादल बूंद दरिया सब उसी का अक्सर है। क्या? एक बार और पढ़िए। खुदा की ही नियामत है। क्या बात? उसी का नूर है, उसी का नूर, ये बादल बूंद दरिया सब उसी का अक्स तो है। साहित्यकार शायद हर जगह उस परमात्मा की ही छवि को देखता है, और शायद वह छवि ही उसकी कलम में शब्द बन करके अवतरित हो जाती है। दो मुक्तक और सुनाना चाहूंगी आपको। मैत्री करुणा और उदारता, ये मेरे छात्रों को बहुत पसंद आया। अच्छा। जब मैंने वहां लिखकर सुनाया, मैत्री करुणा और उदारता आत्मा में है बसी हुई, युद्ध नहीं प्रिय जिसको किंचित, परम द्वंद्वतः बसी हुई, हम उस भारत के वासी हैं, हम उस भारत के वासी हैं, सेतु बंध का काम जहां, शत्रु को भी मित्र बना ले, शब्दों का संग्राम कहां। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो सुख दुख में खड़ा हो साथ उसे इंसान कहते हैं, जो पहुंचे आंख के आंसू करे सब दूर कष्टों को, जो पहुंचे आंख के आंसू करे सब दूर कष्टों को, जो सबके साथ है हरदम उसे भगवान कहते हैं, जो सबके साथ है हरदम उसे भगवान कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे डॉक्टर अपर्णा पांडे जी आज की इस प्रस्तुति के लिए। आज मैम आपने इतना सारा समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम बहुत अपने